सभी पानीपत वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही उनसे एक प्रार्थना भी है कि होली के त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं और किसी भी तरीके की हुड़दंगबाजी से अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाएं। होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा निवेदन है सभी से कि होली जो है दूसरों और अपने मर्यादा में रह के मनाएं और कानून के दायरे में रह के मनाएं। और हमने जो है हमारी रोड पर डिप्लॉयमेंट रहेगी, जिससे कोई हुड़दंगबाजी कर रहा है तो उसे हम समय से काबू कर सके और आम जनता को परेशानी ना हो। धन्यवाद। इसको लेकर सर कोई टीम अभी लगाई जाएगी शहर में भी, कोई इस प्रकार की कोई? बिल्कुल, हर जगह हर थाने में टीम रहेगी, बाजारों में, मार्केट पे, रोड पे, हाईवे पे। तो होली तो आप लोग के लिए होती है, हमारे लिए तो ड्यूटी होती है, तो ठीक है, उस दिन हम ड्यूटी पे रहेंगे जिससे आप लोग होली अच्छे से मना पाए। यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है पानीपत में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह रही है, तो यहाँ पे काम करने का मुझे मौका मिला है सर के गाइडेंस में। और मैं यहाँ के लोगों के लिए हमेशा इंसाफ के लिए खड़ा हूँ और मैं उनका साथ दूंगा और यहाँ पे जितना अच्छा काम मैं कर सकूँगा उतनी मेरी। सर आप यंग है, एनर्जिक है, यूथ के लिए क्या संदेश है? यूथ के लिए यही संदेश है कि यूथ के पास जो एनर्जी है वो अच्छे ढंग से उसको चैनलाइज करें, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी उसको यूज़ करें, कभी भी गलत तरीके की चीज़ों में, जैसे कि किसी भी प्रकार का नशा हो गया या किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाज़ी हो गई या आवारापंती हो गई, उन सब चीज़ों में पढ़ने के बजाय वो जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से अच्छे जगह पे अपने एनर्जी को चैनलाइज करेंगे। प्रिंसिपल आर्यगास पब्लिक स्कूल समस्त पानीपत वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमें होली को सांप्रदायिक सद्भावना की तरफ से मनाना चाहिए। मैं प्रिंसिपल जयश्री गर्ग IBL पब्लिक स्कूल से मैनेजमेंट स्टाफ और बच्चों की तरफ से सारे प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। साथ साथ बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि बच्चे इस बार स्वस्थ और साफ सुथरी होली खेलें तथा आने जाने वालों पर ना ही कोई गुलाल फेंके, पानी, एग और ना ही बैलून फेंके, ताकि हम अपने एनवायरमेंट को भी साफ रख सकें। सुखबीर सिंह मलिक, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर, मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं कम से कम पानी ज़्यादा खराब ना करें और गंदगी से बचे, दारू दूरू ना पीने और बड़े प्यार से इस त्यौहार को मनाएं। सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। वरिष्ठ भाजपा नेता व पार्षदपति अशोक नारंग की ओर से सभी प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व डिप्टी मेयर सुभाष बटला सभी प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। एक ओर जहां पूरे देश होली के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं करीब 20 ठेकेदार होली के पवित्र त्यौहार को काले दिवस के रूप में मनाते दिख रहे हैं। जी हां, अपने करीब 20 करोड़ रुपए की पेमेंट के लिए 50 दिन से धरने पर बैठे ठेकेदार लोग रंगों के त्यौहार होली को काले दिवस के रूप में मनाने को मजबूर हैं। मामला MBS कंपनी से जुड़ा हुआ है, जहाँ करीब 20 ठेकेदारों ने पानीपत के सेक्टर 36 और 37 में ABNs नाम की कंपनी के लिए करोड़ों रुपए का काम किया था, लेकिन कंपनी ठेकेदारों के पैसे भुगतान किए बगैर ही अपना प्रोजेक्ट M3M नाम की कंपनी को देकर फरार हो गई। ठेकेदारों का कहना है कि ABNs नाम की कंपनी के लिए काम करने के लिए उनके घर तक बिक गए, उन्होंने ना जाने किस से पैसा उठाकर कंपनी के लिए काम किया था, लेकिन कंपनी बिना भुगतान किए ही M3M नाम की कंपनी को सारा प्रोजेक्ट सौंप गई और पैसे के नाम पर पल्ला झाड़ते हुए M3M से पैसे लेने की बात कही। तो वहीं जब M3M नाम की कंपनी से ठेकेदारों ने पैसे की डिमांड की तो M3M कंपनी के ठेकेदारों की पेमेंट करनी तो स्वीकार की, लेकिन बाद में मुकर गई। ठेकेदारों का कहना है कि जहां मंगलवार को पानीपत जिले के लोग रंगों के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, तो वहीं धरने पर बैठे ठेकेदारों का त्यौहार बेरंग हो चुका है और काली होली मनाने को विवश है। ठेकेदार रणबीर सिंह ने बताया कि कोई भी सिटी बसाने के लिए रेरा से लाइसेंस लेने की जरूरत होती है, लेकिन M3M के पास इस तरह का कोई लाइसेंस नहीं है। उन्होंने प्रशासन और रेरा से गुहार लगाते हुए कहा है कि इनका काम बंद
करवाना चाहिए। ठेकेदार ने कहा कि रेरा को इस कंपनी ने लाइसेंस देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे एमबीएंस कंपनी भाग गई वैसे ही लोगों के पैसे खाकर M3M कंपनी भी एक दिन भाग जाएगी। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि M3M कंपनी ने कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। आपको बता दें कि ठेकेदार अपने पैसे के भुगतान को लेकर कई बार पानीपत जिला प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में जाकर भी गुहार लगा चुके हैं, जहां ठेकेदारों की गुहार के बाद जिला प्रशासन द्वारा एक बार तो कंपनी का काम रुकवा दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से कंपनी का काम चालू है। ठेकेदारों ने मीडिया के सामने मांग रखते हुए कहा कि उनकी एक ही मांग है कि कंपनी उनका भुगतान कर दे ताकि वह भी अपने बाल बच्चे पाल सके, नहीं तो सभी ठेकेदार आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। कुछ आगे बात बढ़ी है क्या? कुछ है, होली का त्यौहार है, क्या कहेंगे सर? हाँ जी, हम 50 दिन हो गया धरने बैठे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने मतलब 2014 से लेकर और 2023 तक, आज होली का त्यौहार है, लोग तो अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं, हमारी यहाँ काली होली मनाई जा रही है कि पेमेंट के ना हमारे घर बिकली, मकान बिकली, फैक्ट्री बिकली, होली नाम की चीज हम भूल गए होली क्या चीज हो है। और जो इन M3M और MBS ने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रखा है उसके लिए तो हम प्रशासन से भी एक गुहार लगा रहे हैं, भाई इन इनके खिलाफ जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और जो हमारा साइड पर सामान था उसकी भी चोरी कर रहे। हम तो प्रशासन और शासन से यही रिक्वेस्ट कर रहे कि जो इन्होंने हमारे साथ 20-22 करोड़ का घोटाला कर रखा, घपला कर रखा, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और जो जैसे हमारे घर बिके हैं, परमात्मा, हम तो परमात्मा से भी एक अरदास कर रहे भी इनका भी सत्यानाश हो। एक MBS का तो यहाँ सत्यानाश हो के चला गया, और जिस हालात में M3M कर रही है इसका भी हम तो यही क्या भी सत्यानाश हो। जैसे इन्होंने लोगों के घरों को उजाड़ा है तो परमात्मा इनके घरों को भी उजाड़ेगा। और हम तो श्री नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे, और अमित शाह जी से भी, और हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी से भी, और अनिल विज से भी, और संजय भाटिया से, मई पालडाना से, कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई कराया जाए, हमारी पेमेंट का समाधान कराया जाए। शासन से अनुरोध है कि जब तक हमारी पेमेंट, आखिर हमें 50 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए, पूरा प्रशासन को भी हम बार बार में सचेत कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं कि हमारी पेमेंट करवाई जाए। हमारे जेन्युइन बिल है, वर्क ऑर्डर है, बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं साथ में, हमारी पेमेंट वैसी नहीं है, हमारी जेन्युइन पेमेंट है, तो हमारी पेमेंट कराई जाए। और जब तक हमारी पेमेंट ना हो, इनको ये पता किया जाए कि इन्होंने रेरा से सही लाइसेंस मिला है या नहीं मिला है। इनको रेरा से जब तक लाइसेंस ना मिले, और रेरा भी उस बात को ध्यान दे, प्रशासन, ये हमारे जितने भी ये प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इस बात पे ध्यान दें कि हमारी पेमेंट होने तक और रेरा से लाइसेंस मिलने तक इन पर कोई काम करने की इजाज़त ना दी जाए। यहाँ पर सारे काम बंद होने चाहिए।